हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं मेरा ये गुल दोपहरिया है। देखिए आप, ये गुल दोपहरी का प्लांट है और ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये शाम को फूल खिलते हैं 4 बजे के करीब, दोपहर के करीब, और सुबह में सारे झड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी फूल आ रहे हैं इसकी हाइट के हिसाब से, प्लांटर के हाइट के हिसाब से खूब फूल आ रहे हैं इसमें। कटोरी फूल भी कुछ लोग कहते हैं। मुझे किसी ने स्वैप का ऑफ़र भी दिया था इसका, पर मेरे पास ये बहुत है, काफ़ी हो जाते हैं। ये अपने आप ही उगाते हैं। और ये इनके सीड पॉट है, देखिए ये, तो ये 10 इंच के, इसमें भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, कम पानी ही मांगता है। मैंने इसमें कुछ कटिंग्स वगैरह भी लगाई थी, तो कभी कभी इसमें पानी डालना भूल जाती थी, बट अब मैं डेली रूटीन में दे रही हूँ और फिर भी इसमें फूल आते रहे। कोई ऐसा इशू नहीं कि हाँ फूल नहीं आते हैं, काफ़ी फूल आ रहे हैं, बहुत भर भर के फूल आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं। ये दोपहर में पूरी गर्मी फूल खिलते रहते हैं, तेज़ गर्मी है मेरे गार्डन में। एक ये ज़रूरी है कि पूरे दिन की धूप रहती है तो फूल काफ़ी खिलते रहते हैं मेरे गार्डन में, यही रीज़न है कि ये देखो इसमें फूल काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। और ये बिल्कुल मुरझा गया है, इसमें पानी डालने को हो गया है, इसी पे मैंने ये रख रखा है। और इसे मैं अब हटा ही देती हूँ, देखिए इतना बड़ा है इसमें, तो ये हटा दे रही हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि इसकी वजह से उसमें पानी नहीं लग पा रहा है। तो ये बिल्कुल मुरझा गया है, इसमें पानी देने को हो गया है। तो ये गुल दोपहरी काफ़ी हाइट पकड़ ली है इसने, देखिए ये 3 फीट के करीब हो गया है ये, और खूब फूल खिल रहे हैं इसमें, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कोई केयर नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही इसमें फूल खिलते रह रहे हैं। फर्टिलाइज़र भी अभी नहीं दिया है, बस कोकोपीट और उसमें लगाऊँ, क्योंकि इसमें मैंने कटिंग लगाई थी तो उसमें ये भी लगा दिया था निकाल के, तो कटिंग ये कुछ तो हिबिस्किस की तो निकालनी है, एक आधी हिबिस्किस की अभी भी रह गई। देखिए आप, कोकोपीट की वजह से मैंने इसमें कटिंग लगाई थी ये, और ये कोलिस की कटिंग लगा दी थी, कोलिस की कटिंग तो बहुत लगाई थी मैंने, ये देखिए कितनी है। तो बस ये कोई केयर नहीं, बिना केयर के, क्योंकि ये वाइल्ड बहुत वाइल्डली होता है, जंगली फूल जिसे कहना चाहिए, तो ये इजीली चलता रहता है, बिना किसी रिक्वायरमेंट के इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। और बिल्कुल रूट बाउंड हो गया, अगर और बड़े गमले भी लगा दूंगी तो भी और बड़ा हो जाएगा, काफ़ी 7-8 फुट भी पहुँच सकता है ये, बहुत हाइट हो जाती है इनकी। तो कोई केयर नहीं, अगर आपको खूब गर्मी में फूल चाहिए तो आप इन्हें लगा सकते हो, बस इसे पॉट थोड़ा बड़ा दीजिएगा, ये अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इस तरह से काफ़ी बंचेज में फूल खिलते हैं, नीचे से खिलते हुए आते हैं, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं नीचे के सीड पॉट बनते रहते हैं, ऊपर ये फूल खिलते रहते हैं। ये देखिए ये बर्ड्स आ रही हैं इसमें, ये है, ये सारी बर्ड्स आ रही हैं, बहुत ढेर सारी है। तो ये इस तरह से खिलते ही रहते हैं, कोई कमी नहीं होती इनमें, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें, है ना। और बिल्कुल सुर्ख रेड होते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि, और नए गार्डनर तो इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर एक दिन पानी देना भूल जाए, या जो बहुत बिजी रहते हैं ऑफिस में जाते हैं, तो अगर एक दिन पानी देने भूल जाते हैं तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। ये बिल्कुल मुरझा गया था, पत्तियाँ झड़ने लगी थी, जैसे ही पानी डाला फिर से खड़ा हो गया, फिर से चालू हो गया, शुरू हो गया फूल देना। तो बहुत ईजी टू मेनटेन, ईजी टू केयर प्लांट है, इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट बना के रखिए, कोई भी प्लांट हो मिट्टी को थोड़े सा मॉइस्चर बना के रखे, बिल्कुल सूखने ना दे, कोई भी प्लांट हो बिल्कुल मिट्टी को सूखने ना दे, सूखने सूख जाएगी मिट्टी तो आपका प्लांट भी सूख जाएगा, फूल भी झड़ जाएंगे, और सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा प्लांट का, क्योंकि फिर वो सारी एनर्जी अपने आप को सर्वाइव करने में लगा देता है प्लांट, इसलिए पानी को मॉइस्ट ही रख, मिट्टी को मॉइस्ट ही रखें तो अच्छा रहता है। और बड़े देखिए आप, ये छोटे से जो 10 इंच का पॉट होता है उसमें लगा हुआ है, बहुत सिंपल सा प्लांट है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, बस मैं इसलिए मैंने छुपा के रखा क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए मैं इसे यहाँ रख दे रही हूँ। और अच्छा प्लांट है, देखिए इसके सीड गिरते रहते हैं, ये अपने आप ही उग गया था, मैंने इसे लगाया नहीं था, लास्ट ईयर में लेके आई थी ये प्लांट, तो इसके सीड अपने आप गिर गए थे तो अपने आप ही उग गया। एक दो जगह और भी ये उग रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कटिंग से सीड से हर तरीके से लग जाता है, किधर गया वो पॉट, उसमें ये निकल रहा है छोटा सा, शायद इधर उधर शिफ्ट हो गए, वो देखिए वहाँ पर निकल रहा है, तो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं ना। अभी थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है मैंने, तो थोड़ा सा पता ही नहीं रहता कहाँ पे कौन सा प्लांट रखा हुआ है अभी। तो ये देखिए ये अच्छा है, पानी
धूप कुपच्ची मिले, बड़े गमला है तो खूब तेज धूप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा गमला इसलिए मैं थोड़ा सा आड़ में रख रही हूँ, साइड में रख रही हूँ ये इसकी, तो धूप नहीं होगी तो ये धूप में फूल खिलेंगे भी नहीं। इनका नाम ही गुलदुपहरिया है तो दोपहर में खिलते हैं। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ भी मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।